एलन मस्क ट्विटर को खरीदने के बाद कोका कोला को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। अपने हालिया ट्वीट में एलन मस्क ने कोक खरीदने की बात कही है। गुरुवार को ट्वीट करते हुए मस्क ने लिखा कि अब अगला मैं कोक खरीदने जा रहा हूं ताकि उसमें कोकीन डाल सकूं। बियर के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। दरअसल बियर कंपनियों ने बियर के दाम में इजाफा करने का फैसला किया है। तेलंगाना और हरियाणा में बियर की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। बता दें कि जौ समेत दूसरे रॉ मटेरियल महंगे होने की वजह से बियर की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ब्रिटेन की फार्मेसी चेन बूट्स के लिए बोली लगाने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि यह डील 9.5 से 10 अरब डॉलर की हो सकती है। अगर यह डील परवान चढ़ती है तो विदेश में मुकेश अंबानी की यह सबसे बड़ी डील होगी। LIC IPO के लॉन्चिंग का ऐलान हो चुका है। इस बीमा कंपनी का IPO 4 मई को खुलेगा और 9 मई को बंद होगा। 13 मई को इसके शेयर का अलॉटमेंट होने की उम्मीद है। इसके शेयर 12 मई को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस गौतम अडानी दुनिया के चौथे सबसे बड़े रईस बन गए हैं। अडानी ने दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे की बराबरी कर ली है। अडानी की कुल संपत्ति 125 अरब डॉलर हो गई है। गुरुवार को गोल्ड सिल्वर की कीमतों में गिरावट आई है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 51,264 रुपए हो गई है। वहीं चांदी की कीमत भी 63,991 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। फोन पे ने गुरुवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर ऐप के माध्यम से सोने और चांदी की खरीद पर कैशबैक देने का ऐलान किया है। उपयोगकर्ता ऐप के माध्यम से 24 कैरेट का सोना खरीद सकते हैं और इसे बैंक ग्रेड बीमित लॉकर में जमा कर सकते हैं जिसमें स्टोरेज या बैंकिंग चार्ज नहीं लगता है। सोने की खरीदारी पर 2500 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। चांदी की सिक्के या बार पर 250 रुपए का कैशबैक मिलेगा। जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज जल्द ही पांचवी पीढ़ी की सी क्लास लग्जरी सेडान कार लॉन्च करने जा रही है। लग्जरी सेडान को घरेलू बाजार में 10 मई को उतारने की तैयारी है। इससे पहले कंपनी ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। नितिन गडकरी ने ट्विटर का सौदा होने के बाद मंगलवार को एक बार फिर से टेस्ला को भारत में कार बनाने का ऑफर दिया है। उन्होंने रायसीना डायलॉग कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर एलन मस्क भारत में टेस्ला बनाना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। हमारे पास सारी क्षमताएं हैं, हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है। इन कारणों से वे लागत हटा सकते हैं। इंडियन रेलवे ने गुरुवार को 155 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। आप www.irctchelp.in पर जाकर कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट चेक कर सकते हैं।